से वर्कहार्ट पर, इस पर भी राय दीजिए। ये स्टॉक अब 6% ऊपर आ चुका है। वैसे तो फार्मा स्टॉक्स ज्यादातर कमजोर हैं, लेकिन वर्कहार्ट में आज तेजी बनी हुई है। इसके पीछे की वजह भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये जो तेजी दिखा रहा है, अगर किसी ने ट्रेड के लिए लिया होगा तो क्या आप निकल जाएं स्टॉक से? अगर आपने अल्ट्रा शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है या पिछले एक दो दिनों के अंदर ही बाइंग करी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, पॉकेट्स को सिक्योर करना चाहिए। ये ऑन दी अपसाइड जो इमीडिएट बेसिस पे हर्डल है वो 247 पे प्लेस्ड है। जब तक इसकी ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक इसमें आपको बड़ी चाल और देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम फर्दर अगर थोड़ा लॉन्ग बेसिस के हिसाब से बात करें तो देखिए 260 से 265 का एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस जोन है वॉकआउट फार्मा का, और हमने उस चीज को काफी बार अटेम्प्ट करते हुए देखा है। स्टॉक 265 के लेवल्स के आसपास जाता है और वहां से दोबारा से नीचे की ओर जो इसका सपोर्ट बना हुआ है अराउंड 225 वहां तक ये गिरता है। तो ये जो रेंज बनी हुई है ऑन दी डाउनसाइड 225 एंड ऑन दी अपसाइड 265 की, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रेंज के अंदर ही बना रहेगा। जब तक हमें ऑन अ वीकली बेसिक्स 265 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है वॉकआउट के अंदर, तब तक मुझे लगता है ये स्टॉक साइडवेज जा सकता है।